सस्पेंस और थ्रिल, ये ऐसे जॉनरा हैं जिनकी ऑलमोस्ट हर मूवी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन मूवी वॉचिंग की इस स्टेज पर आकर अब हमें चाहिए वो बाप लेवल थ्रिलर मूवीज जो स्क्रीन से आंख हटाने तक का मौका ना दें। और इंडियन सिनेमा से ऐसी कड़क मूवीज कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता, लेकिन आज इस वीडियो में ऐसी माइंड ब्लोइंग थ्रिलर इंडियन मूवीज मिलेगी जिन्हें तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो चलिए फिर टॉप 7 माइंड ब्लोइंग थ्रिलर इंडियन मूवीज की राइड जल्दी से शुरू करते हैं। मैम प्लीज एक बार फिर से डिटेल में बताएंगी कि कल क्या हुआ था। Sometimes violence is better than sacrifice. नंबर 7 पर एक अनएक्सपेक्टेड ब्रिलियंट थ्रिलर है जो काफी बेकार एंड क्रिंजी हो सकती थी, लेकिन अपनी ग्रेट स्टोरी एंड परफॉर्मेंसेस की वजह से इसने सबको सरप्राइज कर दिया है। 2017 में रिलीज हुई फिल्म इत्तेफाक यश चोपड़ा की क्लासिक हिंदी फिल्म पर बेस्ड है और एक ट्रिपी मर्डर मिस्ट्री दिखाती है जिसमें रियल किलर कौन है वो हमें लास्ट तक पता नहीं चलता और इसीलिए एंड तक इसका सस्पेंस एकदम पीक पर रहता है। अब देखो, इस फिल्म में कुछ पेसिंग इश्यूज के साथ साथ इक्का दुक्का वियर्डली रिटन सीन भी है, लेकिन इस मॉडर्न एडेप्शन में हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और अक्षय खन्ना की इमर्सिव परफॉर्मेंसेस के साथ साथ देखने को मिलती है एक इंटेलिजेंट मिस्ट्री जो सस्पेंस का डोज एंड तक हैवी रखती है। अब ये कोई बहुत ज्यादा वाइडली नोन फिल्म नहीं है, लेकिन वो भी शायद इस फिल्म की एक खास बात ही है, क्योंकि जिसने भी इस फिल्म को देखा है ना, एक चांस इसको दिया है, उसने इसकी ब्रिलियंस को एडमिट किया है। इत्तेफाक अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर फिर से एक माइंड ब्लोइंग थ्रिलर फिल्म है जो वैसे तो वाइडली नोन रही है, लेकिन इसके फैंस इसकी डार्क कॉमेडी और ड्रामा काफी पसंद करते हैं, और शायद वही चीजें मेरा भी रीजन है इस फिल्म को आपको रिकमेंड करने के लिए। 2017 में आई अ डेथ इन द गंज, ये फिल्म 1979 में सेट है और उस शाय स्टूडेंट की कहानी है जो फैमिली ड्रामा और अपने अच्छे मार्क्स के बीच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अब फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स थोड़े से ओवर द टॉप फील हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेकअप करती है इस फिल्म की मेथोडिकल स्टोरी जो एंड तक आपको अपने साथ बांध कर रखती है, एंड उसके ऊपर से विक्रांत मैसी और कल्कि कोचलिन की लाजवाब परफॉर्मेंसेस जो कैरेक्टर्स में एक अलग ही जान डाल देती है। और इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि आप चाहे इससे कोई भी एक्सपेक्टेशन लगा लो, ये उससे अलग एकदम अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस ही आपको देगी। तो भाई, इस इंडियन थ्रिलर को आप अभी प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पर एक ऐसी हिंदी फिल्म है जो मुझे लगता है कि अगर पैंडेमिक नहीं होता ना, तो ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होती। इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन, ग्रेट ह्यूमर, आयुष्मान खुराना का एक टोटली नया रूप भी देखने को मिलता है, पर फिर भी ये फिल्म एक फ्लॉप रही है और उसका पूरा ब्लेम पैंडेमिक को जाता है। 2022 में रिलीज हुई फिल्म एन एक्शन हीरो तो सच में एक एक्शन हीरो की कहानी है जो अपनी फिल्म की शूट पे गलती से कुछ गलत पंगे में फंस जाता है और अब उसे रील से निकलकर रियल लाइफ में एक्शन करना पड़ता है। भाई, इस फिल्म की स्टोरी से लेकर परफॉर्मेंसेस तक सब कुछ ब्रिलियंट है, लेकिन इसकी एक वीकनेस अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इस फिल्म में एक सीन है जिसमें बैकग्राउंड पूरी तरह से CGI है और वो बहुत गंदा है, बहुत गंदा वाला CGI है, और इस सीन को अगर हटा देना तो एक्शन हीरो बॉलीवुड की एक सबसे यूनिक और ब्रिलियंट फिल्म बनकर निकलेगी, और सैडली बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है। तो ये कड़क एक्शन थ्रिलर अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हिंदी में। पर पकड़ना होंगे साहब, जब साला चांद पे भी चला गया ना, तो अपने PCR में बांध कर उसने घसीटता लाऊंगा, आपकी छाई पटक दूंगा। इस PCR में तू चांद पे जागा और उसने घसीट के लाओगा। नंबर 4 पर एक बहुत ही अंडररेटेड थ्रिलर फिल्म है जिसके बारे में आपने एक ना एक बार तो सुना होगा, लेकिन देखी शायद नहीं होगी, क्योंकि इस फिल्म में ना ही कोई बड़ा स्टार है, ना ही बहुत बड़ा बजट है, लेकिन ये फिल्म अभी भी कुछ लोगों को याद है सिर्फ और सिर्फ अपनी जीनियसली रिटन स्टोरी और के मैनन की बाप लेवल परफॉर्मेंस की वजह से। 2015 में रिलीज हुई रहस्य, ये एक CBI ऑफिसर की कहानी दिखाती है जो एक हॉरिबल मर्डर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है जिसका ट्रुथ बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग होने वाला है। रहस्य में वैसे तो कोई भी कमी नहीं है, लेकिन ये फिल्म अपनी स्टोरी सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लेगी जो जनरल ऑडियंस के लिए थोड़ी स्लो फील हो सकती है, लेकिन इस फिल्म का ये मेथोडिकल नेचर ही इसे माइंड ब्लोइंग बनाता है, क्योंकि इसका हर सीन इसकी स्टोरी को आगे बढ़ाता है, और अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आप शायद इसकी मिस्ट्री को इसके हीरो से पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई, इस माइंड ब्लोइंग थ्रिलर को मिस करने का तो सवाल ही नहीं बनता। आप प्राइम वीडियो पर, Zee5 पर या YouTube पर इसे एंजॉय कर सकते हैं, तीनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। नंबर 3 पर भाई वो फिल्म है जिसकी वजह से विद्या बालन पे पूरे इंडिया का दिल आ गया था, एंड इस फिल्म ने उन्हें एक केपेबल स्टार का दर्जा भी दिलाया था। 2012 में रिलीज हुई सुजॉय घोष की ब्रिलियंट फिल्म कहानी। इंडियन सस्पेंस थ्रिलर्स की जब भी बात होती है ना, इस फिल्म का नाम टॉप पर आता ही है, क्योंकि ये 100% ये टॉप पोजीशन डिजर्व करती है। एक प्रेग्नेंट वुमन लंदन से कोलकाता आती है अपने मिसिंग हस्बैंड की तलाश में,
लेकिन ये जो तलाश है वो उसे कुछ ऐसे डेडली रास्तों पर लेकर जाती है जो कुछ हार्श रियलिटीज भी उसके सामने रखते हैं। कहानी लिटरली परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। इसमें हम कोई भी फॉल्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी स्टोरी परफेक्ट है, विजुअल्स हॉन्टिंग है और विद्या बालन की परफॉर्मेंस तो भाई साहब टॉप लेवल की है। अब जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इस फिल्म में पसंद आई थी वो है शाश्वत चैटर्जी की परफॉर्मेंस एज अ कोल्ड ब्लडेड किलर, जो एकदम नॉर्मल 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा लगता है लेकिन अंदर से ये बंदा कुछ और ही है। अब अगर ये बवाल फिल्म आपने अब तक नहीं देखी है ना तो बॉस अभी के लिए ये जियो सिनेमा पर अवेलेबल है, जल्दी जाओ देखो क्योंकि ये जल्दी वहां से हटने वाली है। नंबर 2 पर जिस फिल्म की बात होने वाली है ना उसने एक एज ओल्ड डिबेट का फाइनल आंसर हमें दे दिया है और वो सवाल था कि आखिर कटरीना कैफ को अच्छी एक्टिंग आती भी है या नहीं, और उसका आंसर है कि हाँ भैया कटरीना कैफ को एक्टिंग आती है। वो फिल्म है बदलापुर और अंधाधुन जैसे ऑसम मूवीज के डायरेक्टर श्रीराम राघवन की लेटेस्ट फिल्म मैरी क्रिसमस। अब इस फिल्म के बारे में बिना कुछ स्पॉइल किए तो मैं कुछ आपको नहीं बता सकता लेकिन फिर भी बताऊंगा। बंबई में एक क्रिसमस ईव पर मिलते हैं 2 अनजान लोग जिनकी लाइफ टोटली बदलने वाली है और वो दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान है। अब देखो मैरी क्रिसमस ट्रू सिनेमा लवर्स के लिए ही बनी है, इसमें कोई मासी एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए ये फिल्म उतना ज्यादा नोटिस भी नहीं की गई क्योंकि ये मासेस के लिए बनी ही नहीं है। इसकी ब्रिलियंट स्टोरी एंड एकदम ट्रूली ग्रेट कास्टिंग इसे 100% क्वालिटी कंटेंट बना देते हैं। भाई किसने सोचा था विजय सेतुपति और कटरीना कैफ कभी एक साथ आएंगे और ये जोड़ी स्क्रीन पर आके इतना लाजवाब एक्सपीरियंस दे जाएगी। 2023 में रिलीज हुई ये माइंड ब्लोइंग थ्रिलर 8 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है और सच में सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के अगर फैन होना तो इससे मिस मत करना। भैया श्री राम राघवन नंबर 2 के साथ नंबर 1 पर भी अपनी जगह बना के बैठे हैं और अपनी अब तक की सबसे ब्रिलियंट फिल्म के साथ। इनकी बदलापुर एक ग्रेट फिल्म थी लेकिन नंबर 1 पर जो फिल्म है ना वो इंडियन सिनेमा की सबसे लेजेंडरी थ्रिलर फिल्म है, इसके जैसा और कुछ अब तक नहीं बन पाया है। 2018 में रिलीज हुई फिल्म अंधाधुन, एक अंधा पियानिस्ट एक मर्डर विटनेस कर लेता है और अब इसकी लाइफ के ढंग से लगने वाले हैं। अब ये अंधा इंसान कैसे एक मर्डर विटनेस कर सकता है, यही तो फिल्म का तगड़ा वाला सस्पेंस है। आई थिंक अंधाधुन इस लिस्ट में टॉप पर एक ही रीजन की वजह से है और वो है इसकी रीवॉचेबिलिटी, क्योंकि आप इस फिल्म को कितनी भी बार देख लो इसकी कहानी एंड विजुअल्स में कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा। इसका फन पार्ट, इसकी कॉमेडी तो ब्रिलियंट है ही लेकिन तब उसे इतने अच्छे विलन की एक्टिंग किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी और आयुष्मान खुराना तो हमेशा की तरह ही इस फिल्म में भी एक्सीलेंट है। इस कड़क थ्रिलर को आप जियो सिनेमा पर फ्री में स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये है इंडियन सिनेमा की वो बाप लेवल थ्रिलर मूवीज जो 100% मस्ट वॉच है। अगर ये वीडियो पसंद आया है और तुम्हें लगता है कि इसका दूसरा पार्ट बनना चाहिए तो कमेंट करो, जरूर इसका सेकंड पार्ट मिलेगा। और अगर कोई फिल्म इसमें मैंने मिस कर दी है तो वो भी कमेंट में बताओ, नेक्स्ट पार्ट में उसे भी ऐड कर लिया जाएगा। अगर तुम सिर्फ 100% क्वालिटी मूवीज देखना ही पसंद करते हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहां पर सिर्फ कड़क क्वालिटी कंटेंट ही मिलता है। तो बस जाके ये ऑसम मूवीज एंजॉय करो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और शेयर करके इसे कम से कम एक ट्रू मूवी फैन तक तो जरूर पहुंचाना। वो हिडन इंडियन सीरीज जो सुपर से भी ऊपर लेवल की है लेकिन अब तक बहुत लोगों ने इन्हें नहीं देखा है, जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।